फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को अपना बेगूसराय का एक बहुत ही सुंदर और अद्भुत धरोहर दिखाने वाले हैं, जो कि है अपना बेगूसराय का जीडी कॉलेज बेगूसराय। देखिए, आप जैसे ही मेन गेट से अंदर के सामने की तरफ घुसेंगे तो आपको ये सामने ये सुंदर सा दृश्य देखने के लिए मिलेगा। दो मूर्ति लगी हुई है, एक बाएं तरफ कुछ उजली कलर की है और नीचे कुछ मिथिला पेंटिंग की गई है, ये देखिए। और इधर जो बाएं तरफ है एक विज्ञान भवन है और एक सामने बहुत बड़ा पीछे मैदान है। और इधर चलिए तो हम उधर आपको बाद में घुमाएंगे, सबसे पहले हम आपको सारे कागजात के काम कहाँ पे होते हैं उसको दिखाएंगे। ये सामने है एक कला भवन जहाँ पे सारे कागजात का काम होता है, जैसे कि एडमिशन, मार्कशीट लेना या कोई भी काम होगा अपना सारा इसी में होगा। देखिए, ये सामने दाहिनी तरफ जो है ये एक लाइब्रेरी है, पुस्तकालय है यानी कि, और इसका नाम जो है खूबलाल सिंह पुस्तकालय, ई पुस्तकालय लिखा हुआ है। और इसके जस्ट दाहिने तरफ आप ऊपर की ओर देखेंगे तो ये प्रपत्र बिक्री केंद्र है, जहाँ पे एडमिशन का फॉर्म या किसी भी तरह का फॉर्म सारा चीज़ यहीं मिलता है। और यहाँ से सामने लगातार काउंटर है जिसमें कि एडमिशन या किसी भी तरह सारे कागजात का काम यहीं पे होता है। और यहाँ से आप अगर आगे की तरफ बढ़ेंगे तो सामने आप प्रशासनिक भवन की तरफ पहुँच जाएंगे, जो कि प्रिंसिपल की ऑफिस है। और साथ ही साथ आपको दाहिनी तरफ एक बहुत ही सुंदर दृश्य देखने के लिए मिलेगा, एक अद्भुत दृश्य। फ्रेंड्स, जैसा कि हम आपको बताते चलते हैं कि अगर आप इस कॉलेज के कोई पुराने स्टूडेंट रह चुके हैं या फिर वर्तमान में अभी भी इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आप अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें हमें और ज़रूर बताएं। और अगर कोई काफ़ी पुराना स्टूडेंट रहे हैं इस कॉलेज का तो आपको क्या कुछ नया और बदलाव देखने के लिए मिल रहा है वो भी हमें बताते चलें। और हम आपको बताते चलते हैं कि इस कॉलेज में अगर आपको एडमिशन से संबंधित या किसी भी तरह का समस्या हो तो आप दलाल के चक्कर में ना पड़े, कोई छात्र संघ के नेता से संपर्क करें या फिर नहीं हो तो अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को एक आवेदन लिख के दे सकते हैं। चलिए, हम आपको आगे की तरफ घुमाते हैं। देखिए, ये कितना सुंदर सा एक छोटा सा एक बगीचा जैसा, एक फुलवारी जैसा बना हुआ है, देखने में बहुत ही सुंदर लगता है और सामने से देखने में ये बहुत ही अद्भुत लगता है। तो देखिए, हमारा ये रहा सामने से एक बगीचा का व्यू, कितना सुंदर दिख रहा है। ये सामने थोड़ा सा हम आपको दिखाते हैं, चलिए हम आपको थोड़ा सा जूम करते हैं। देखिए, यहाँ पे कॉलेज के संस्थापक का नाम है और मूर्ति भी लगी हुई है। और नीचे देख सकते हैं आप, कुछ मिथिला पेंटिंग की गई है और एक बगीचा को सुंदर ढंग से सजाया गया है। और आप देखेंगे तो इसी मूर्ति के जस्ट पीछे, अब पीछे साइड जो हमारा उधर से प्रशासनिक भवन दिख रहा था वही जस्ट पीछे है। अब चलिए, हम आपको आगे की तरफ और भी इधर थोड़ा सा दाहिने तरफ दिखा देते हैं। देखिए, ये दिनकर कुछ करके लिखा हुआ है। और चलिए, फिर हम आपको आगे की तरफ और बढ़ाते हैं। हम आपको बताते चलें, ये बेगूसराय के बस स्टैंड या फिर स्टेशन से करीब लगभग, हमें जैसा लगता है, 1 से 1.5 किलोमीटर के, 1.5 या 2 किलोमीटर के करीब होगा तकरीबन, जो कि दक्षिण साइड में पड़ता है ये बेगूसराय स्टेशन से। तो चलिए, इधर देखिए हम थोड़ा सा प्रशासनिक भवन की तरफ बढ़ते हैं और आपको दिखाते चलते हैं। सामने दिख रहा होगा, ये रास्ता सामने जाता है प्रशासनिक भवन। इसके बाद हम कुछ अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग जो विभाग हैं वो सब भी हम आपको दिखाएंगे और कहाँ किस चीज़ की जानकारी मिलेगी ये भी हम आपको बताते चलते जाएंगे। देखिए, आपको शायद दिख रहा होगा प्रशासनिक भवन, हम आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देते हैं। देखिए, कितना सुंदर है हमारा प्रशासनिक भवन, यहीं
भी हमारे प्रिंसिपल बैठते हैं, प्रिंसिपल। और आपको कोई भी समस्या हो तो आप यहाँ पे आवेदन लिख के दे सकते हैं। और देखिए, इधर थोड़ा सा हम आगे की ओर बढ़ते चलें तो हम आपको बता दें कि आप अगर एडमिशन कराते हैं, अगर चालान कटवाने के लिए दिया जाता है, यहीं पे आपको एक माया साइड में एक बैंक का काउंटर मिलेगा जहाँ पे आप अपना चालान कटवा सकते हैं। चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ के आपको हम दिखाते हैं। ये है हमारा चालान कटवाने का काउंटर, जो कि दिन के 10 बजे से 2 बज के 30 मिनट तक खुला हुआ रहता है। चलिए अब हम ये आ गए हैं जस्ट मेन गेट के बाईं तरफ, जहाँ पे सारा विभाग है। ये सामने जो है राजनीतिक विभाग का है, राजनीतिक जो सब्जेक्ट होता है उसका है। और आगे आपको हिंदी का विभाग मिलेगा और वाणिज्य यानी कि कॉमर्स का भी विभाग मिलेगा। आप अगर किसी भी तरह का जानकारी सब्जेक्ट से रिलेटेड ये विभाग में जाएंगे। देखिए, ये हिंदी और इंग्लिश का विभाग था। और ये सामने जो आ रहा है ये हमारा है कॉमर्स यानी कि वाणिज्य विभाग। आपको जिस सब्जेक्ट में जानकारी चाहिए वो अपने विभाग में जाके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम आपको थोड़ा सा अब पीछे की तरफ का नज़ारा दिखाएंगे। इधर से जैसे ही आप घूम के दाहिने की तरफ बढ़ेंगे तो ये हमारा विज्ञान भवन। हम आपको थोड़ा सा और आगे बढ़ के दिखाते चलते हैं। यहाँ दीवारों पे आप देख सकते हैं, साइड में दाहिने साइड आपको दिख रहा होगा कितनी सुंदर सुंदर लाइनें लिखी हुई हैं और मिथिला पेंटिंग से सजी हुई है। क्या ये, अगर आप कोई आप में से कोई आदमी पुराना आदमी इस वीडियो को देख रहे हैं तो क्या आपके समय में ये सब इतना सुंदर सा सजा हुआ था दीवार, क्या था या नहीं था, हमें ज़रूर बताते चलें। देखिए, ये थोड़ा सा हम इधर आगे की तरफ बढ़ गए, एक और हमें सुंदर सा दृश्य देखने के लिए मिल रहा है। मिथिला पेंटिंग बनी हुई है और पीछे कुछ फूल वगैरह और कुछ पेड़ वगैरह लगे हुए हैं। और ये रहा, देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। और यहीं पे ये हमारा इधर साइड, ये पीछे की तरफ बैक साइड हो जाता है। और आपको हम थोड़ा सा दिखा दें दाहिने तरफ, ये बहुत बड़ा एक मैदान है। रहा हमारा मैदान बहुत बड़ा है, पेड़ सब दिख रहे हैं। ये जस्ट उधर ही है जिधर से हम आए थे, जिधर नामांकन सब होता था। अगर ये आके ये रास्ता खत्म हो जाता है, उधर एक कुछ बिल्डिंग है जिधर की आपको एग्जाम वगैरह या ये सब का थोड़ा बहुत एग्जाम सब लिया जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं, और आपको आगे किस कॉलेज की जानकारी चाहिए ये भी हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।